हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वोटर कार्ड कैसे डाउनलोड करें, कोई भी नया या पुराना वोटर कार्ड आप कैसे डाउनलोड करेंगे इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस समय हम लोग नेशनल वोटर सर्वे पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जैसे ही आप वेबसाइट पे आएंगे तो आपको इस तरह इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसमें कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे ई पिक डाउनलोड, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, नो योर असेंबली, कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ई पिक डाउनलोड का, आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछ रहा है, तो अपना यूजर नेम और पासवर्ड फिल कर लीजिएगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, वेबसाइट पर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, तो यहाँ पे आप रजिस्टर एज न्यू यूजर पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप मोबाइल नंबर और कैप्चा फिल करके अपना अकाउंट बना लीजिएगा। जब अकाउंट आपका बन जाएगा फिर वापस आइएगा। यहाँ पे आप यूजर नेम और पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे पहले मोबाइल नंबर फिल करता हूँ, फिर नीचे आपसे पासवर्ड पूछेगा। जो भी आप पासवर्ड बनाए होंगे यहाँ पे आप फिल कर लीजिए। पासवर्ड फिल करने के बाद नीचे आपसे कैप्चा पूछ रहा है, तो यहाँ पे कैप्चा फिल कर लीजिए। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे आप लॉगिन बटन पर क्लिक कीजिएगा। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं फिर से हमारा इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। मतलब कि हम लॉगिन होकर आ जाएंगे तो फिर वही एक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फिर आप क्लिक कर लीजिए ई पिक डाउनलोड पे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपसे पूछ रहा है ई पिक नंबर या तो रेफरेंस नंबर। यहाँ पे आप जैसे पुराना वोटर कार्ड है हमारा, तो वहाँ पे आपको ई पिक नंबर आपको मिल जाएगा। अगर नया आपने अप्लाई किया है वो आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपके पास रेफरेंस नंबर होगा, उस रेफरेंस नंबर से आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ हम पुराना वोटर कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ई पिक नंबर को फिल कर लेंगे। यहाँ पे ई पिक नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका स्टेट है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक कीजिएगा। सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स शो कर देगा, नाम, मदर नेम, स्टेट, आपका विधानसभा कौन सा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारे डिटेल्स शो कर देंगे। तो फिर उसके बाद आप नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, उसके बाद आपका डाउनलोड का लिंक मिलेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा सेंड ओटीपी का, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। कौन सा मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा वो आपका मोबाइल नंबर शो भी कर रहा है, लास्ट का 4 डिजिट आपका शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा सेंड ओटीपी पे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओटीपी को फिल कर लीजिएगा। ओटीपी फिल करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर लीजिएगा। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए डाउनलोड का लिंक आपको मिल जाएगा। फिर से आपको क्या करना होगा, कैप्चा को फिल करना होगा, फिर डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप कैप्चा को फिल कर लीजिएगा। कैप्चा फिल करने के बाद डाउनलोड ई पिक पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका एक मैसेज आ गया कि आपका वोटर कार्ड डाउनलोड हो गया है, और ये आपका नीचे टास्क बार में आपका वोटर कार्ड डाउनलोड होकर आ गया है। यहाँ पे आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं, तो इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा वोटर कार्ड डाउनलोड होकर आ गया है। इस तरह आप आसानी से वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, नया हो या पुराना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।